अभय सागर जी आ जाइए। सिटी की ओर आठ आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा, शासना देश है, नियम है कि जो भवन मालिक है उसके खाते में पैसा जाएगा। जो अकाउंट नहीं किया अपना किसी ने शहर का या गाँव का हो, मतलब ये जियो है। पहले आपको वित्तीय अनियमितता का थोड़ा वित्तीय अनियमितता कर देंगे, किसी ने दो साल पहले आपके खाते में पैसा दे दिया, आप उसका भुगतान करें, कितना भुगतान करें, क्या भुगतान करें, किसी को नहीं पता। जबकि जियो है कि एमएस के माध्यम से सीधे जो भवन मालिक है उसके खाते में पैसा जाएगा। पिछले डेढ़ साल से मांगा जा रहा है कि आप उसका खाता नंबर दीजिए, जिन लोगों ने खाता नंबर नहीं दिया उनका कभी भविष्य देखा नहीं, उनको निकालने की तैयार क्यों करें आपका। हमारा नाम है शशि त्रिपाठी, लुधियानपुरा। आप आज आप ज्ञापन देने के लिए आई हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? हमारी समस्या है पिछले किराए का हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, हम लोग दो साल से परेशान हैं। किराए का भवन हम लोगों का संचालित था लेकिन अब हम लोगों को किराया नहीं मिला, इसलिए हमें किराया संचालन करने में केंद्र बड़ी परेशानी पड़ रही है। और जो नए मानक के अनुसार किराए से जो केंद्र संचालन हुए हैं, लॉट हुए हैं, उनमें सिर्फ जहाँ 63 आंगनवाड़ी है उधर 5 आंगनवाड़ी के किराए से भवन का लॉट हुए हैं कि केंद्र के किराए से चलाए जाए। बकाया 60 आंगनवाड़ी का करें, कहाँ जाएँ अपने समय। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हम लोग पुराना किराया का भुगतान हो, जो हम मकान मालिक को दे चुके हैं वो हमारे खाते में आए हैं, और हमारे किराए से केंद्र संचालन करने के लिए स्वीकृत दी जाए भवन, ताकि हम किराए से चला सकें। शिकायत दे दी आप लोगों ने? अभी नहीं, टीएम सर हाँ देने आए हैं।